वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनय, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के बारे में, तो मुझे कमेंट मिला था भैया कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज मैं कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें एडमिशन प्रोसेस, सीट, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल स्टाइपेंड, हॉस्पिटल बॉन्ड सभी के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलेगा इस चैनल पे, कट ऑफ के बारे में मिलेगा। और अगर आपको दूसरे कॉलेज के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो दूसरे कॉलेज के बारे में ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए EEEC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, और यहाँ पे स्टेट कोटा की भी सीट है तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन होता है। टोटल सीट की बात करें तो 63 टोटल सीट है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा में आता है और 85% स्टेट कोटा में आता है। फ़ी स्ट्रक्चर का बात करें तो फर्स्ट ईयर में 13,960 है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 7,660 है, वहीं फोर्थ ईयर में 10,960 है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, अगर बेड वैकेंट होगा तो आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल का बात करें तो यहाँ पे IPD में 26 बेड्स है, और OPD में जहाँ तक मेरे को डाटा मिला 200% अप्रॉक्स पर मंथ आते हैं। स्टाइपेंड का बात करें तो यहाँ पे 28,900 स्टाइपेंड है, बॉन्ड 1 लाख का है। जब आप इस कॉलेज को या फिर बंगाल के जितने भी आयुष कॉलेज हैं EEEC पे जब चेक करेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड शो नहीं करता है, लेकिन बंगाल के वेस्ट बंगाल के जितने भी आयुष कॉलेज हैं वहाँ पे 1 लाख का बॉन्ड है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।